पुण्यासरके थाना चौक पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। महागठबंधन से अलग हुई हम पार्टी बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होते राज सरकार के खिलाफ हम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दरमियान पूर्णिया के थाना चौक पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अगुवाई में हुए धरना प्रदर्शन में विभिन्न मांगे रखी गई, जिनमें मुख्य रूप से पूर्णिया जिले के गरीबों को सरकार द्वारा प्राप्त जमीन जैसे भूदान, लाल कार्ड, बिहार सरकार पर्चा की जमीन से बेदखल लाभुकों को दखल दिलाने के लिए BLDR एक्ट के तहत जमीन पर दखल कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया जाए, जिले के सभी भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए, इसके अलावा प्रत्येक महादलित परिवार को खेती योग्य 1 एकड़ जमीन जीवन यापन के लिए सुनिश्चित किया जाए। जिला अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों में महादलित आदिवासी के लिए शमशान घाट बनवाने हेतु सरकारी भूमि की व्यवस्था की जाए तथा सभी महादलित आदिवासी अत्यंत पिछड़ों के टोला में नल जल योजना अंतर्गत पीने का पानी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा विभिन्न मांगे शामिल रहे, जिसको लेकर DM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आज हम लोग गरीब का सवाल है, हमारे नेता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्य संरक्षक और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, लगातार हम लोग पूर्व से ही इस आवाज़ को उठाते आ रहे हैं। गरीब को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गरीब गुरबे लोग पोखर, पहाड़ पर, नहर पर यत्र तत्र बसे हुए हैं और सरकार द्वारा जबरन उनको खाली कराया जा रहा है, जबकि विस्थापन के पश्चात ही उनको खाली करना है। सबसे अहम सवाल है कि गरीब को जो लाल कार्ड, बिहार सरकार की भूमि, भूदान की भूमि, बास की भूमि जो सरकार के द्वारा गरीबों को दिया गया था, दलित, महादलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़े गरीब लोगों को दिया गया था, वैसे जमीन से दबंगों के द्वारा खाली करा करके अपना दखल कब्जा जमा लिया है और लगातार लोग कोर्ट कचहरी यत्र तत्र अंचल सब डिवीजन का दौड़ लगा रहे हैं, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और कागज लेकर के घूमते फिरते हैं। तो हम लोगों का सरकार से कहना है कि उस पर न्याय होना चाहिए। तीसरा और प्रमुख सवाल है कि आज गरीब के यहाँ किसी का अगर देहांत हो जाता है, आप देखिए कि उसको दाह संस्कार करने का कोई जगह नहीं है, कोई सरकारी भूमि नहीं है जहाँ वो लोग लाश को दफनावे। कहने का मतलब जिंदा में तो कष्ट है गरीबों को, जिंदा में कष्ट है महादलित आदिवासी गरीब समाज के लोगों को, लेकिन मरने के बाद भी यह कष्ट दिखता है कि कहाँ जाके लाश को गाड़ेगा। जहाँ जाता है दबंग के द्वारा, दबंग जमींदारों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा उन्हें खदेड़ा जाता है, जमीन पर लाश तक गाड़ने नहीं दिया जाता है, चाहे नहर के बगल का जमीन हो, चाहे सड़क की जमीन हो, वहाँ भी लाश गाड़ने में दिक्कत होती है। और सवाल है नल जल योजना का। नल जल योजना के तहत बहुत ऐसे हमारे गरीब के गांव हैं जहां नल जल का सुविधा नहीं मुहैया कराया गया है, और जहां अगर मुहैया है तो नल जल योजना संपूर्ण रूप से बीमार पड़ा हुआ है, वहां भी लोगों को पानी नसीब होता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम अपने पूर्व संरक्षक महोदय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सुमन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित है और हम लोग धरना के माध्यम से इस बात सरकार के कान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमारी मांग पर अविलंब विचार करते हुए गरीबों को न्याय देने का काम करें।